इरशाद। कितने हजरात है हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। हाँ इतने लोग नहीं सुनेंगे, जो लोग सुनेंगे वो दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखिए अभी कस्बा गोलाही में आया था वो, क्या दक्षिण टोला था वो मोहल्ला, अभी जो हम आए थे पश्चिम माशाल्लाह। तो हमारे मोती भाई थे, पता नहीं कहाँ है, गैर हाजिरी है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ तक खबर पहुँचे। बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा, शोरा और मुकर्री को बड़ी इज्जत और बावेकार अंदाज में उन्होंने रुख्सत किया। एक बात बता दूँ, जलसा करना कमाल नहीं होता है, जलसा करके मेहमान को आबरू के साथ बुला लेना और इज्जत के साथ रुख्सत कर देना, ये कमाल होता है। बेशक बेशक, वरना करोड़ों रुपया खर्च कर कर मेरे दोस्तों जलसा खत्म होने के बाद चौकी के नीचे कन्वीनर को घुसते मैंने देखा है, लेकिन बटन खोल के कोई इस्तकबाल करे तो वो सरजमीन कस्बा गोला है कि लोग माशाल्लाह बड़े बड़े फनकारों को, मुकर्रिर को, शोरा को, अदबा को, उलमा को बुला लेते हैं। ये कमाल आपका, बहुत अच्छे शेर देखे मेरे दोस्तों माशाल्लाह। एक शेर सुने, पढ़ने वाला था, लिखा बहुत अच्छे दिल भाई ने, बहुत अच्छा एक शेर याद दिलाया मेरे दोस्तों के, जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा। क्या कहने हैं। अच्छा कुछ लोग हमसे मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, मांगते हैं कि तुम मोहब्बत से भारत में कितनी मोहब्बत करते हो, जय बोलो, फला बोलो, ढेकान बोलो। अरे यार तुम गौर से देखो अपने आप पर, तुम जब मर जाते हो तो बस एक मुट्ठी खाक यानी जला दिए जाते हो, उसमें तब्दील कर दिए जाते हो, या तो गंगा के हवाले कर दिए जाते हो और बह जाते हो। लेकिन हिंदुस्तान का सच्चा वफादार और सबसे ज्यादा अगर कोई सिपाही है तो ये वो मुसलमान है कि जीते जी जब पैदा होता है तो मेरे दोस्तों रब की इताअत के लिए इसी धरती माता, इसी धरती पर पांच वक्त की नमाज को सर को बोसा देते हैं और चूमते हैं और कहते हैं कि इससे प्यारी धरती मेरी कोई नहीं है। और मरने के बाद जब हम रुखसत होते हैं दुनिया से तो धरती अपना सीना फाड़ के कहती है बेटा आजा मेरे सीने में, तेरा इस्तकबाल है, तू सो जा, और ऐसे सो जा जैसे नई दुल्हन सो जाती है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा, है कि नहीं। तो शेर देखे मेरे दोस्तों के, जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, बहुत अच्छा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। थोड़ा सा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, एक आध आदमी और बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छी समाते हैं आपकी। जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा, बरोजे हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोजे हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। मुझे याद आया, बंगाली को लोग आम तौर से हल्के में ले लेते हैं। एक मरतबा हम सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तीन सूबे के लोग थे, बिहार के थे, बंगाल के थे, यूपी के थे, तीनों आपस में तबसरा कर रहे थे, तस्करा कर रहे थे, यार मेरे यहाँ नवाबी का मत पूछो। बंगाली भी बैठा था, बिहारी भी बैठा था, उत्तर प्रदेश लखनऊ का एक रहने वाला था, बड़ी नज़ाकत के साथ उसने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, उसको बीड़ी बनाया और जला कर थूकना शुरू कर दिया और कहा देखो मेरे यहाँ की नवाबी ये है कि एक मिनट के अंदर मैंने 500 के नोट को जला दिया। बिहारी को रहा नहीं गया, वो बेचारा फौरन देखा, अपने जेब से 2000 के नोट निकाला, उसने बीड़ी बनाया और धुकना शुरू कर दिया, कहा देखो मेरे यहाँ की नवाबी यह है कि मैंने 2000 के नोट को लम्हे में जला दिया, खाकिस्तर कर दिया और उड़ा दिया हवा में। वही बंगाल का एक था फर्द और वो कोई और नहीं, मौलाना शहादत साहब मौजूद थे कस्बा गोला के। इन्होंने दोनों ने कहा बेटा 2000 की अगवा तो नोटे नहीं है, करेगा तो क्या करेगा। मौलाना शहादत साहब बहुत होशियार तेज तर्राक मौलवी, ये चाहे तो जिंदों का कब्रिस्तान में दफनाने का हुनर जानते हैं, जब बोलने पे आ जाए तो कब्रिस्तान से मुर्दों को उठवा लेते हैं, है कि नहीं। सनाखानी भी करते हैं, नातखानी भी करते हैं, लोग मर जाए तो कुरान खानी भी कर लेते हैं ये, तो आप जानते अच्छी तरह से। ये उठे और उठने के बाद सूटकेस निकाला, सूटकेस से एक चेकबुक निकाला, चेकबुक पर लिखा 50 लाख और धुकना शुरू कर दिया। ये बंगाल के लोग हैं, तो ये आपकी दानिशमंदी है। थोड़ा सा आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सही मेरे दोस्तों, वो शेर याद आया, आपके मुस्कुराहट की झनकार ने यहाँ तक मेरे जहन को झिंझोड़ दिया और वो शेर याद आ गया माशाल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके,
वाह मेरे अल्लाह, कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके, अरे डाल देता हूँ यही सोच के छत पर दाने, आए है डाल देता हूँ यही सोच कर छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। बहुत अच्छे। डाल देता हूँ यही सोच के छत पर दाने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। आइए मेरे दोस्तों, काफी देर से पलके पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, आज की जो फहरिस्त है काफी लाजवाब है, इंशाल्लाह आप जितनी देर बैठेंगे जाने का बिल्कुल माहौल नहीं होगा, इसलिए कि मौलाना अकरम साहब की जो तकरीर होती है वो इल्हामी तकरीर हुआ करती है। इंशाल्लाह उनकी तकरीर के बाद दिल खैराबादी फिर एक घंटे के लिए आपके बीच खिदमत करने के लिए आएंगे। बीच बीच में हम भी इंजेक्शन लगाएंगे। आमतौर से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, रांची के अंदर, हमारे बिहार के अंदर कई ऐसा का है सुबह है जहां हमारे और दिल भाई की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत अच्छी। मेरे दोस्तों शायर वह पढ़ता है जब अनाउंसर पढ़वा लेता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जहां आप कमजोर पढ़ते हैं तो हम शायरों को वहीं से उठा लेते हैं जहां पे आप छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों ये माशाल्लाह दिल साहब है, इंशाल्लाह हम भी है, आते जाते रहेंगे, ये रिश्ते बरकरार रहेंगे, लेकिन इनके बाद वाले जो मुकर्रर है आपने उनको कभी नहीं सुना है, लेकिन सुनिएगा तो इंशाल्लाह हमेशा याद कीजिएगा, जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब कासमी चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना बिहार, इमारत शरिया। मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि इंशाल्लाह उनके पुरमग़्ज़ बयान को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप झूम जाएंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठेंगे, जाने का बिल्कुल माहौल नहीं बनाएंगे, सिर्फ दो तकरीरें हैं, जलसा को रथ जग्गा इन लोगों ने नहीं बनाया है। यहाँ के अकाबिर, यहाँ के उलमा को मैं सलाम करता हूँ, कसम खुदा की जिन्होंने दीनी फेजा चला दी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ रब्बा ये फेजा पूरे हिंदुस्तान में चल जाए, वरना जब तक फजर की अजान ना हो जलसा लोग खत्म नहीं करते, जब तक कान से खून ना निकल जाए। ये बताइए जलसा इसे नहीं कहते हैं? ऐसे अकाबिर की जूतियां सरों पे रख लेता हूं मैं, ताजे शाही की तरह सजाता हूं। मेरे दोस्तों जो इतना अच्छा मशवरा देते हैं, जलसा इस तरह से सुना जाता है। आइए आपके दरमियान आपके चहीते मुकर्रर जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, कोडरमा झारखंड। झारखंड की भी एक अजीब कहानी है, सुना दूं? हाँ हाँ। बहुत पहले नहीं, बहुत ज्यादा दिन नहीं, हमारे बिहार ही में था, किसकी नजर लग गई वो झारखंड बन गया। हमने कहा कि भाई किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया, दोस्तों जो मैंने सोचा था वो अंडभंड हो गया। जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुँचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। तो ये हमारे मौलाना अकरम साहब झारखंड में चले गए, हम बिहार में आ गए, लेकिन मोहब्बतें वही बरकरार है और माशाल्लाह रहेगी भी। आइए आपके चहीते मुकर्रर जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा झारखंड से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि फूल से चाँद से खुशबू की जबा से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से चाँद से खुशबू की जबा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की जबा से सुनिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह।